ओम शांति। 7 अक्टूबर के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्यात्मा बनेंगे। प्रश्न, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन हैं? उत्तर, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुल गुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी हैं न मुख से बोलनी हैं। हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल। देह अभिमान के वश हो कोई छीछी काम नहीं करने हैं। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। ओम शांति।